नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत है एमएलटी लैब मैनुअल में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एंटी कोएगुलेंट्स ट्यूब, जिसे हम ब्लड कलेक्शन ट्यूब भी बोलते हैं, कि कौन सी कलर के ट्यूब में हम कौन से टेस्ट के लिए हम सैंपल लेंगे। तो जो फ्लेबोटोमिस्ट है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप ब्लड कलेक्शन कर रहे होते हैं तो आपके पास करीब 7-8 कलर के ट्यूब होते हैं। उस टाइम कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से कलर के ट्यूब में हम कौन सा सैंपल ले। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से कलर के ट्यूब में कौन सा सैंपल लेंगे। तो जो आपको जो लाइट ब्लू कलर का जो ट्यूब होगा, उसमें जो है सोडियम सिट्रेट एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है, जिसमें हम 3.8% और 3.2% सोडियम सिट्रेट होता है। तो उसके लिए वो जो है हम क्या करेंगे, PTINR टेस्ट के लिए उसे हम यूज करेंगे, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए हम यूज करते हैं। जो रेड कलर का ट्यूब होता है, इसमें जो है कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है, ये प्लेन ट्यूब भी बोलते हैं। इसको जो हम इम्यूनोलॉजी टेस्ट के लिए, ड्रग या सीरोलॉजी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। जो गोल्ड कलर का जो कैप होगा, जो ट्यूब होगा, उसको हम बोलते हैं SST, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें जो है क्लॉट एक्टिवेटर होता है विथ जेल, जो ब्लड को क्लॉट होने में एक्टिवेट करके रखता है, ठीक है। इसका यूज हम करते हैं जितने भी बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, जैसे LFT हो गया, KFT हो गया, TFT हो गया, इम्यूनोलॉजी जैसे और भी जो सीरम से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं, इसमें हमें सीरम की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टेस्ट के लिए हम ये गोल्ड कलर का ट्यूब यूज करते हैं। जो ग्रीन कलर का ट्यूब होता है, उसको हम हिपेरिन ट्यूब बोलते हैं। इस हिपेरिन ट्यूब में क्या होता है कि सोडियम और लिथियम हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है। ये टेस्ट जो स्पेशल टेस्ट के लिए होता है, जो एलिमेंट्स, जो मिनरल्स, जो एलिमेंट्स होती है ना, उसके लिए हम ग्रीन कलर का ट्यूब यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो ट्यूब है, वो है लेवेंडर कलर का ट्यूब, जिसका कैप लेवेंडर कलर का होता है। उसमें क्या होता है कि EDTA एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, उस कैप उसको हम EDTA ट्यूब भी बोलते हैं। उसके अंदर EDTA एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। इसका यूज हम होल ब्लड, इसमें हम होल ब्लड के लिए करते हैं, इन होल ब्लड लेते हैं, और इसका यूज CBC ESR के लिए हम करते हैं, या हीमोग्लोबिन के लिए, या फिर ब्लड ग्रुप टेस्ट के लिए हम इसमें हम लेवेंडर कलर का ट्यूब में हम ब्लड कलेक्शन करते हैं। और जो ग्रे कलर का जो ट्यूब होता है, जो कैप ग्रे कलर का होगा, इसमें जो है सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट होता है, या पोटासियम ऑक्सालेट या सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट होता है। इसका भी यूज लैब में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका यूज ब्लड शुगर टेस्ट के लिए करते हैं, जैसे फास्टिंग या PP इसके लिए ये करते हैं। तो ये था हमारा ब्लड कलेक्शन ट्यूब। तो इसमें तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।